ऊपर वाले में पाउडर कोटिंग करा रखी है तो इसका रस्टिंग नहीं होगी। और ये बाकी स्टिक का है, बाकी जो जो जाएगा इनके क्लैंप लगते थे वो इस पे लग जाते थे नॉर्मल जैसे गाड़ी में होते हैं। अभी लगने के बाद ये ऐसा दिख रहा है थोड़ा। और इसके बाद जो बोलो इधर कर रखा है कैमरा। हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोर लेटेस्ट वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगेन। हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम आए हैं अपनी गाड़ी में टेंट लगवाने के लिए, रूफ टॉप टेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, तो धीरे धीरे अपडेट देंगे इसका। ये तो वैसे ही लगा रखा है हमने। इसके ऊपर अभी हम वो लगाएंगे रबर। अच्छा, मास्किंग टेप के ऊपर थोड़ी जा रहा है, रबर के ऊपर जाएगा। अच्छा, मुझे इसमें लग रहा था पहले कि इसमें ना गुटके लगने वाले हैं, रबर के गुटके आते हैं ना इतने मोटे मोटे, वो कामयाब नहीं रहेंगे। अच्छा, निकल जाएंगे फिर से। बट बुला रहे हो? हाँ, आ जाओ। अच्छा, ये फिक्स कर दिया है? अभी नहीं करा। ये तो फिक्स लग रहा है? नहीं, थोड़ा अंदर को डाला हुआ है बस, फिक्स नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा ये वो कर रखा है। तो फाइनली हमारे अल्कज़ार में ये ब्रैकेट्स फिक्स हो गए हैं और ये बार लगा दिए। तो बेसिकली दो बार्स का कॉम्बिनेशन रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया है जहाँ पे हमारा टेंट फिट होगा। सेम उस साइड भी ऐसे ही ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी इंस्टॉलेशन का आगे का पार्ट देखते हैं थोड़ी देर में। जो क्लैंप हैं ये आपका रबड़ के साथ में फिक्स कर दिए गए हैं यहाँ पे, ताकि पेंट वगैरह का इशू ना आए, पेंट रिमूवल का आगे भी और पीछे भी। बाकी जो मास्किंग टेप वगैरह और ये रबड़ दिख रही है एक्स्ट्रा, ये सब काट देंगे यहाँ से। और ये है हमारे छोटू भाई, इधर की साइड भी ऐसा ही है, ये इन्होंने रबड़ लगा के फिक्स कर दिया है यहाँ और इधर। तो मतलब इस पर रस्ट वगैरह का कोई इशू ऊपर वाले पे? पाउडर कोटिंग करा रखी है तो इस पर रस्टिंग नहीं होगी। और ये बाकी ये स्टील के लगाते हैं हम लोग, बेसिकली ये स्टील का होता है ऊपर वाला, एमएस का पार्ट है ना। इसको और सीधा कर, बताते रहना भैया क्या लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो। अच्छा, तो ये क्या है, रबर किस चीज की है? ये रबर आप साइकिल की भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल की भी ले सकते हैं, ट्यूब की। अच्छा, ये टेप तो हटा दोगे ना अभी? हाँ, ये हट जाएगी अभी, इस पे भी रबड़ आएगी क्लंप के नीचे। देखो भाई क्या हो रहा है हमारे इस गाड़ी के साथ में। हमने सनरूफ के साथ गाड़ी ली थी, पैनोरमिक सनरूफ के साथ, और मैं सनरूफ टकवाऊंगा। और ये आदमी थक जाएगा, ये आदमी ने खुद अपनी गाड़ी जो ली है वो छोटी सनरूफ वाली ली है, तो मेरी को भी इन्होंने छोटी बना दिया है, गायब कर दिया है, गायब ही हो जाएगी बिल्कुल। फाइनली अब इनके ऊपर टेंट रखने के लिए टेंट लेके आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कैसे सेट किया जाएगा इसके ऊपर में। ये आ गया भैया आपका टेंट और ये इस पे रेल्स लगी हुई हैं जो कि इस बार पे टिकेंगी आपका। चलो भाई हाथ लगवाओ जाके, गाड़ी पे निशान निशून ना पड़ जाए बिल्कुल भी। पहुंचेंगे, अभी पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं भैया को कर ले लो मैं काम। देखो दिल पे छुरियां चलने जा रही हैं हमारे। मेरी कोई हेल्प? चलो चलो चलो, आपका नीचे रखना, उंगली नीचे रखना।
वही पकड़ के रख, पकड़ के रख ले नीचे से। ओ भाई ये देखो गाड़ी पर हो गया है घर तैयार आपका। अभी ये स्क्रू वगैरह से टाइटन किया जाएगा। टेप हटा लो। ये तो बहुत बाहर निकल रहा है। शेप ही नहीं आ रही इसकी सही। वो इधर वाली तो नहीं है पत्ती। एक क्लैंप लेके आ गए हैं भैया। दिखाना भैया क्लैंप, दिखाना इसमें एक क्लैंप दिखा दो मुझे। इसमें इन्होंने ये पीछे की साइड में रबर स्टिक कर दिए। ये आपका लग जाएगा ताकि जब ये यहाँ लगेगा तो आपका पेंट वगैरह का कोई नुकसान वगैरह ना हो। खोल के देख लो ठीक है। सुबह से इंतजार करते हुए भाई कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है। ठंड जाड़ो लग रहा है? जाड़ो लग रहा है। और ये एलगाजार टूर एंड ट्रेवल्स वाले ये भैया बचाने के लिए ये प्लास्टिक की गुट्टी लग रही है। ये प्लास्टिक गुट्टी क्यों लग रही है भैया? ये कौन है? मैं कोई कपड़ा होगा पेंट ना फटे या आपको चोट वोट ना लगे तो ये ऐसी व्हाइट रहेंगे या ब्लैक करेंगे ना आप? ये डिपेंड है आपके ऊपर। हाँ भाई ब्लैक करवाने हैं व्हाइट करवाने हैं? कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है तो ये ब्लैक होंगे। दुकानदार से प्यार है हमें। मजर सुन ये तो तुम हटा के लगा देते ना। हटा के और ये थोड़ा ध्यान से लगाओ थोड़ी थोड़ी छींटे आ जाती हैं। हाँ इसको निकाल के लगाओ ज्यादा बेटर है। हो गया लग गया तेरा ना उस पर भी पेंट हो गया। उस पर भी पेंट हो गया ना। चलो कोई नहीं वो हट जाओ निकाल दे ध्यान से गाड़ी में रखे। अरे तू ले लेता भाई पैच का यार करने दे। आड़ी आड़ी अब निकल जाएगा वो कपड़े से पकड़ के ऐसे डालो इधर से साइड से यहाँ से नहीं वो छोटा करना पड़ेगा। और एक लेवल नीचे जाएगा ना। सारे कॉर्नर्स पे ऐसे क्लैंप लगेंगे जिससे आपके विंडो का एरिया बनेगा और उसको सपोर्ट मिलेगा। बहु घर में पहला कदम रखते हुए अबे ये क्यों लगा दिया आज पड़ेगा क्या किसी की जाओ बाहर चलाएंगे। मैं इधर बैठू इधर ही बैठो बीच में आ जाओ बस।
अच्छा इधर, हाँ कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है ठीक है। ये लो जी भाई, लगा ले बिस्तर यहीं पे। बिस्तर लगाने की जरूरत क्या, बिस्तर तो लगा पड़ा, कंबल अम्बल ले आओ बस। हैं अभी मंगाते भैया दो कंबल। यार तो हम टेंट में बैठ चुके हैं, एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देते हैं। ऑलरेडी ये छोटा सा टेंट है, सो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप इन आउट करेंगे। ये फर्स्ट साइड है, सो इसमें आपको विंडो की प्रोविज़न दी हुई है और इसके साथ में ये मॉस्किटो नेट्स लगे हुए हैं और प्लस वेंटिलेशन का यूज़ हो जाता है यहाँ से। सिमिलरली अदर साइड भी सेम प्रोविज़न दिया हुआ है, तो छोटी सी विंडो है जिसमें नेट्स लगे हुए हैं, तो हवा वगैरह सब आती रहेगी। और छत में भी ऐसा ही एक प्रोविज़न दिया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं, और छोटे मोटे पॉकेट्स भी दे रखे हैं, जैसे मोबाइल होल्डर, मोबाइल रख सकते हो आप इसमें, हेडफोन रख सकते हो, दोनों साइड दिए हुए हैं। नेट का भी एक पॉकेट है, एक मेन पॉकेट भी है। फिर ये फोर्थ साइड पर आते हैं, तो यहाँ पे भी सेम विंडो का प्रोविज़न है, नेट्स लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। और इसके साथ में अगर आप रूफ पे देखेंगे तो दो हुक्स दे रखे हैं आपके लाइट्स वगैरह कैंप के अंदर लगाने के लिए, सो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। कह रहे हो तुमने अपने जूते मेरे जूते को? नहीं नहीं, मैं तो पहन के गया था, पीछे से बनाते वीडियो थोड़ी। तुम्हारे लिए स्पेशल लाइट लगाई भैया ने। सो फाइनली ये हमारा 3% टेंट है जो हमने इंस्टॉल करवाया है, तो अभी फ़िलहाल ये अलकज़ार पे इंस्टॉल करवाया हमने। नेक्स्ट मंथ हम इसे स्कॉर्पियो एन पे इंस्टॉल करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इंस्टॉलेशन हो गई है। इसकी फोल्ड की बना लो, वही बना लो। इधर वाला नेट पूरा नहीं बंद करा ना। फाइनली कवर के बाद ये फाइनल लुक है गाड़ी का। ऊपर स्ट्रैप से टाइट कर दिया गया है इसको ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहीं एंड करते हैं ब्लॉग अपना। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द ब्लॉग, सब्सक्राइब द चैनल।